अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। एक समझिए कि एक नए आर्टिस्ट पैदा ले रहे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मेहनत रजनीश मिश्रा जी ने इस ढंग से किया है, तो एक चीज़ देखने को मिली। ये क्योंकि नए जब कास्ट जब किए जाते हैं तो बड़ी मेहनत होती है, बहुत हिम्मत की बात है कि आप एक नए कास्ट को आप कास्ट करके एक ऐसी फिल्म देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक ऑडियंस जो है उसको पसंद करे, तो उसमें मेहनत उन्होंने बराबर किया है। तो अब ट्रेलर और टीजर जल्दी आने वाले हैं, तो अब लोगों को इंतजार है एक नए आर्टिस्ट का। बिल्कुल सर, यही सवाल मेरा भी था कि जब डार्लिंग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से आएगी, जब ट्रेलर आएगा टीजर आएगा, इसकी कोई डेट है सर कि कब तक ट्रेलर और टीजर डार्लिंग का आप लॉन्च कर सकते हैं? कमिंग वीक में आने वाला, तो एंड जो ट्रेलर है वो कमिंग वीक में ही आएगा। सर डार्लिंग आपने देखी होगी, अक्षरा सिंह उसमें हीरोइन है, राहुल शर्मा जो कि पहली बार भोजपुरी में काम कर रहे हैं, इन दोनों की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी, फिल्म ओवरऑल कैसी लगी? क्योंकि मैं प्रदीप जी के साथ, मुझे बहुत इच्छा थी कि एक अच्छे प्रोड्यूसर है और इतनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई है, बट मैं कभी साथ में ज्वाइंटली कुछ कर नहीं पाया, तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। जो लड़के हैं राहुल शर्मा, तो जो लुक था ऐसे मैंने देखा कि ये चीजें बड़ी बेहतर डिलीवरेबल कर रहे जो थे, तो फिर रजनीश को मैंने पूछा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि नया आर्टिस्ट क्या होता है उसको उसकी जो डिलीवरेबल चीजें होती है बड़ी, जब तक 5-6 पिक्चरें नहीं आ जाए तब तक वो मजा और कलाकार नहीं बन पाता, बट मुझे पोटेंशियल दिखा तो मुझे लगा कि ये पिक्चर करनी चाहिए साथ में, तभी ये प्लान हुआ एंड बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को लाइनअप भी कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी बात होगी कि जब इतने सालों से काम नहीं कर पाए तो अब काम करने को मौका मिलेगा। क्या राहुल शर्मा में आपको टैलेंट नजर आया, तो क्या रत्नाकर जी कोई फिल्म उनके साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, आने वाले इसमें टाइम पे वो जो है अनाउंस है।